राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बंधुओं, राधा और कृष्ण इस बात का प्रतिपादन करते हैं, मनुष्य अपनी आत्मा को देखे। मनुष्य किसको देखता है? बाहरी चमड़ियों को देखता है। यदि आत्मा को देखने लगेगा तो देखता रह जाएगा, इतनी सुंदर है उसकी आत्मा। वो बाहर से जितना गंदा है, अंदर से उतना ही पवित्र है, इतना ही सुंदर है। और कृष्ण की आत्मा है श्री राधा रानी। कन्हैया ने जैसे ही देखा तो देखते ही रह गए कन्हैया। तो क्या हुआ है? जब राधा और कृष्ण संग में खड़े होकर के मंदिर में दर्शन देने को खड़े हुए, तो राधा रानी खड़ी हो गई सामने कि चलो अब कलयुग प्रारंभ हो रहा है, भक्तों को दर्शन देंगे हम लोग। तो राधा रानी खड़ी हो गई, बगल में कृष्ण खड़े हो गए। अब राधा रानी खड़ी हुई थी, तभी कृष्ण की ओर देखा तो पता कृष्ण कैसे खड़े थे। राधा रानी खड़ी है ऐसे और कृष्ण खड़े हैं ऐसे। राधा रानी देख रही है भक्तों की और कृष्ण देख रहे हैं राधा रानी की ओर। राधा रानी बोली सामने देखो, बार बार सीधा करती है, कृष्ण फिर मुड़ जाते हैं उनकी तरफ। बोले तुम्हारा स्वरूप इतना सुंदर है कि मैं किसी और को देखना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ केवल तुम्हें देखूं। तो उस दिन श्री राधा रानी ने कहा, बोले नहीं, तुम भक्त वत्सल हो, तुम्हें भक्तों का कल्याण करना है। जब साक्षात कृष्ण मेरे रूप पर इतने मोहित हो गए, तो सामान्य व्यक्ति यदि वृंदावन में आएगा तो मेरा रूप देख करके तो मूर्छित ही हो जाएगा। उसी दिन श्री राधा रानी ने घूंघट कर लिया और अपना स्वरूप किसी को नहीं देखा। राधा रानी ने यदि अपना घूंघट उठा लिया ना, आदमी पागल हो जाएगा वृंदावन। इसलिए श्री राधा रानी घूंघट करके बैठी हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण के दर्शन से हमारा कल्याण होगा, और कृष्ण दर्शन कब करेंगे, कब देंगे? जब राधा रानी छिप जाएंगी, राधा रानी खुल जाएंगी तो कृष्ण भी उनका दर्शन करेंगे। इसलिए वृंदावन में राधा का दर्शन नहीं, कृष्ण खड़े हैं, बगल में राधा रानी घूंघट करके खड़ी। ऐसा है वृंदावन।